लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इससे कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं उससे राज्य के कांग्रेस नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि लालू ने कांग्रेस को ऐसी सीटें दी हैं जहां पर उसका मुकाबला बहुत कठिन हो गया है, जबकि पूर्णिया औरंगाबाद जैसी मजबूत मुकाबले वाली सीटें आरजेडी ने खुद अपने पास रख ली हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी सीट बंटवारे पर तंज कस रही है। दरअसल बिहार की 40 सीटों में से कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं, लेकिन इन सीटों पर कांग्रेस के पास ना तो मजबूत उम्मीदवार हैं और ना ही उन पर दशकों से पार्टी जीती है। आरजेडी के खाते में 26 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार पार्टी गया, जमुई, सुपौल, उजियारपुर, पूर्णिया, पूर्व चंपारण, मधुबनी, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, औरंगाबाद जैसी 10 नई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के बंटवारे में कांग्रेस को भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज और पटना साहिब जैसी सीटें मिली हैं। यहां पर पार्टी ने 1984 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता। मीडिया रिपोर्ट में एक पूर्व सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 में मुजफ्फरपुर और पटना साहिब से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जबकि वाल्मीकि नगर, औरंगाबाद, सुपौल जैसी सीटें उसे नहीं दी गईं, जहां पिछले चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को कमजोर सीटें दी हैं, ये उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि कांग्रेस बिहार में हाशिए पर ही रहे। बीजेपी ने भी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तंज कसा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी, जबकि डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के आगे समर्पण कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।